अच्छा मैं अभी चलता हूँ, जब तुम मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन अभी वो क्या करें? अरे यार इंतजार तो करो, मिलते हैं ना शाम को। शब्बो 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 शब्बो, मैं हूं शब्बो शब्बो। उस दिन मेरी बच्ची, मेरी शब्बू इस दुनिया से तो चली गई हमेशा हमेशा के लिए, कभी ना आने के। लेकिन मुझे यकीन था वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगी, क्योंकि उसकी रूह को सुकून नहीं मिला था। ख्वाब ना देखे होते, आज वो भूषण से ना मिली होती। लेकिन उस भूषण का क्या हुआ? वो गद्दार निकला, वो मकार लड़कियों का सौदा किया करता था। शब्बू की मौत के बाद मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पता चला कि वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका है। लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? कविता ने शब्बू को क्या बिगाड़ा था? उसकी तो अभी जिंदगी भी शुरू नहीं हुई। सौरभ भाई, अगर शब्बू ने भूषण से बदला लिया होता तो बात समझ में आती, लेकिन अब शब्बू को जाना होगा, उसे कविता को छोड़ना होगा। कैसे निकालता है अमर चोपड़ा? बड़ी भी खाना खा लीजिए। भी दो दिन से एक दाना आपके मुंह में नहीं गया, अल्लाह के वास्ते खुद पे इतना जुल्म मत कीजिए। जुर्म तो उस अल्लाह ने मेरे साथ किया है, उस यतीम बच्ची को मैंने अल्लाह की नेमत समझकर अपने सीने से लगाकर हौला पोसा बड़ा किया। अल्लाह ने मुझे उस बच्चे से अलग कर दिया, कसूर किया था उसकी बाकी माँ को ख्वाब देखने की जरूरत थी, तो उसे नहीं देखना चाहिए था, उसे उसकी जरूरत की सजा मिली और सजा मुझे भी मिली। मेरे
उसे कुदरत का करिश्मा कहूं ना उसकी बेरहमी। जब वो एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है, मेरी मासूम आंखें, उसकी हरकतों में वही जिद्दी पर, शब्बीर मियां वो शब्बो है और नहीं भी है। मुझे अपने सीने में पत्थर रखना पड़ता है, मैं उससे बात नहीं कर सकती, उससे मिल नहीं सकती, अपने सीने से लगा कर रो नहीं सकती। कविता, क्या है दीदी? क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। एक बात बताऊँ? बताओ ना। तुम बहुत जल्दी अच्छी होने वाली हो। क्या? मैं अच्छी हो जाऊंगी? मतलब मेरे ऊपर आने वाला वो साया हमेशा के लिए चले जाएगा, भाग जाए। विजयंकर की वाइफ मिली थी, वो बता रही थी विजयंकर सलाउद्दीन बाबा को लेने गए हैं। सलाउद्दीन बाबा कौन है? विजयंकर के गुरु हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत सारे लोगों के जिससे भूत भगा दिए, वो तुझे भी अच्छा कर देंगे, है ना खुशी की बात? खुशी की बात, चल चल। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हुआ क्या पूछ रही है? तेरे पापा ने बताया था ना तुझे, ये बाबा की बात कविता के सामने कभी मत करना, वरना वो आत्मा चौकन्नी हो जाएगी। तूने सब बक दिया। सॉरी बोल रही, चल चल। अल्लाह, बच्चे का नाम कविता है, उस पर किसी रूह का असर है। बाबा, वो लोग बहुत परेशानी में। बेटा, गम और खुशियां अल्लाह देता है, शब्बो की रूह बहुत सुकून चाहती है, और उसकी रूह शैतानी नहीं है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण आप ही हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं बाबा। उससे टक्कर लेना मेरे बस की बात नहीं है। उस परिवार ने अपने दादा को खो दिया, कल को ऐसा ना हो कि। सब्र कर मेरे बच्चे, सब्र कर। जोश, ताकत और हमारी काबिलियत ही हमारे काम नहीं कराती। हर काम उसकी मर्जी से होता है, और कोई भी काम करने से पहले मुझे उसका हुक्म लेना पड़ता है। हुक्म किसका? जिसने मुझे बनाया बेटा, जिसके हुक्म से मैं आज यहां। अगर आपको हुक्म नहीं मिला तो क्या सुबह नहीं? तो क्या मेरे इंतकाल के बाद में मेरी जगह कोई नहीं आएगा? मुझे हुक्म ना भी मिले तो अभी अल्लाह का कोई नेक बंदा तेरा काम जरूर करेगा, तेरा काम होगा, जरूर होगा, इस पर भरोसा कर। पता नहीं कब वो तेरी दहलीज तक। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुझे बरकत दे। बहुत दिनों बाद आना हुआ मौलाना साहब। बेटा, हम तो हवा के झोंकों में तिनकों की मानिंद हैं, जब मालिक जहां ले जाता है चले जाते हैं। मुन्ना, क्या चाहिए माजी? सर, एक बिस्किट का पैकेट देना। अच्छा बेटा, कुछ परेशान लगती हो। माजी, ये मौली साहब है, बड़े पहुंचे हुए पीर है। कुछ मत बता बेटा, बंदे को सब दिखाया जाता है। तेरी बेटी पर किसी का साया है, बहुत परेशान है बेचारी। पापा,
अगर इतना बता दिया है तो ये भी बता दीजिए इस मुसीबत से छुटकारा कैसे होगा। उस पर भरोसा रख बेटा, यदि अल्लाह ने चाहा तो तेरी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बड़ी मेहरबानी होगी बाबा, हम लोग तो सब जतन करके हार गए हैं। बेटा मुझे कुछ सामानों की दरकार होगी, ये सामान मंगवा कर कमरे में रखवा देना, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, चुपचाप बाहर निकल आना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आता हूं। बाबा, आपके कहने के मुताबिक सारी चीजें मैंने रख दी है और फिर मैं बाहर चली आई। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, घर से बाहर निकलते हो किसी ने तुम्हें पुकारा तो नहीं था? हाँ, मेरी बेटी कविता ने दो बार मम्मी मम्मी करके पुकारा था, लेकिन मैंने पलट के नहीं देखा। अच्छा किया बेटा, दरअसल वो कविता नहीं थी, वो वही थी। घर में और कौन कौन है इस वक्त? तो कोई नहीं है, मेरे पति ऑफिस गए हैं और बड़ी बेटी मधु कॉलेज से सीधी ट्यूशन पर जाएगी, कविता अकेली घर में है। ठीक है, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो और पड़ोस के किसी घर में चली जाओ। जी डरो मत बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई भी घर के अंदर नहीं आए। Hello.
चलाता है घर तो ये तेरा भी नहीं है और ना ही जिस्म तेरा है, ये कविता का जिस्म है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस जिस्म को छोड़कर चली जा। ऐसी सूफियानी बातें करता है, कविता का जिस्म छोड़ दूं तो जाओ कहाँ? कहीं भी जा, तू एक रूह है और रूहों के जिस्म नहीं होते, रूहों की कोई पहचान नहीं होती। इस वक्त ये लड़की ही मेरी पहचान है, इसका शरीर ही मेरा भविष्य है। इसे छोड़ दूंगी तो क्या रहेगा मेरा वजूद? कैसा वजूद? क्या कविता ने तुझे न्योता दिया था? न्योता? वो खुद आई थी मेरे रास्ते में। रास्ते में? हाँ, महाबलेश्वर, उसी कमरे में जहाँ मेरे सपने टूटे थे, उसी जगह जहाँ मेरे साथ धोखा हुआ था। जगह और भी तो लोग जाते हैं, तुम ये मासूम बच्ची ही क्यों? और जाते हैं लेकिन मेरी चीजों को कोई छूता नहीं। इस लड़की ने तो हक समझ कर मेरे मंगलसूत्र को छुआ, उठाया और पहन भी लिया। अगर वो लड़की मुझे अपनाने के लिए तैयार है तो मैं उसके शरीर को क्यों ना अपनाऊं? मंगलसूत्र पहन लेने से तेरा किसी जिस्म पर हक नहीं बन जाता। तूने मुझे शरीर से निकाला तो बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा तू। और पछताएगी औरत उसकी माँ जो तुझे यहाँ पर लेकर आई।
मैंने उस चुड़ैल को इस कील में बांध दिया है। अब कविता को कोई परेशान नहीं करेगा। हम लोग तो शब्बों से लड़ते लड़ते थक गए थे बाबा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आपकी मेहरबानी से हमारी कविता को नया जीवन मिला है। हम सबकी तरफ से ये, मैं पैसों के लिए कोई काम नहीं करता। मेरा सब कुछ उस ऊपर वाले के रहमो करम पे चलता है। इसे तुम अपने पास ही रखो, अल्लाह तुम्हें शफा देगा। और हाँ, मैंने जो चीज तुम्हें दी थी वो कविता को जरूर दे देना। अल्लाह का करम हो, अल्लाह का करम हो, अल्लाह का करम हो। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, या रसूल। तेरे लिए अंगूठी दी है, इसे संभाल कर रखना। और इसे हमेशा पहने रखना, कभी निकालना नहीं। इसी कील के आधार पर ये खेल खत्म होगा। खेल महीने तक चलेगा ब्रिजमोहन। खेल की आत्मा इस कील से आजाद हो गई है और उसकी ताकत और भी कई गुना हो गई है। क्या वो फिर से मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश करेगी? सिर्फ गलती। मैं क्या गलती कर सकती हूँ? इस बात का तुम्हें इल्म नहीं है बाबा। तो फिर हम कविता को कैसे बचा सकते हैं? महीना खत्म होने में तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं बाबा। जैसा कि तुम जानते हो ब्रिजमोहन, ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। बच्ची को बहुत होशियारी से
इसे किसी भी किस्म की जिस्मानी चोट नहीं आनी चाहिए, खून के जरिए ही वो छुड़े इसके शरीर में सके। नहीं बेटा, जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई पुकारे, तुम्हारा नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाए तो पलट कर नहीं देखो। जो भी करना सोच समझ कर करो, अल्लाह पर भरोसा रखो कि ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। और ये 5 दिन तो पलक झपकते ही बीत जाए। चल मैं निकलता हूँ, मेरा टाइम हो गया। चल बाय। बहुत जल्दी आ गई। कैसा रहा कॉलेज में आज का दिन? ठीक था। अरे क्या ठीक था, इसकी सहेली ने बताया सीढ़ियों से गिर गई आज। अरे कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नो मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती? हाँ हाँ, तू अपने आप को बिल्कुल संभाल सकती है। शीला मैं बहुत थक गया हूँ, मैं लेकर कॉफी भेज दो बेटा, तुम भी अपना आओ। चलो वहां चलो। हैं चलो आते हो मम्मी।
हेलो चोपड़ा हेयर। चोपड़ा साहब, मैं जोरा बोल रही हूँ। जोरा भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, यहाँ फोन मत करा करो, हमें परेशान मत करो, समझी? मुझे बुलाया इंस्पेक्टर विक्रम। मारे जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा जिंदा रहना पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। चट्टा तुम मुझे मत मारो, चट्टा देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम मत मारो। ए इंस्पेक्टर फोन मत रखना, अब सुन सुन, हमारा मुन्ना कितनी अच्छी तरह चीखता। नहीं सुन सुन, सांगितलं होतं ना मला डबल क्रॉस नाही करायचं, केलं तर काय होतं डायरेक्ट काशी। काशी आता बघ, काशी बघ, काशी दिसते का बघ, काशी दिसली, काशी दिसली। हमारे मुन्ना की चीज खुली गई तुम्हें, और एक बात अच्छी तरह से सुन, क्या कर चाहिए तुझे, तू जरूर देखेगा इंस्पेक्टर।
ना हमारे साथ गद्दारी किया। Oh,